हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 8 के लिए मैथ से अभ्यास 5E। इसमें हम एक और सरसमीका का प्रयोग करेंगे और सारे सवाल बहुत आसानी से हल कर देंगे। तो चलिए सीखते हैं इसको भी। ओके बच्चों, देखो बच्चों, 5E के लिए हमें एक और सरसमीका का उपयोग करना है, जिसमें कि है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ब्रैकेट में ए प्लस बी गुणा ब्रैकेट में ए माइनस बी। हमें अभ्यास 5E में इस तरीके के सवाल हल करने हैं उस सरसमीका से। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से करना है। ओके, अब जैसे कि देखो, हमारी सरसमीका क्या थी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ब्रैकेट में फिर गुणा, यहाँ पे कोई निशान नहीं है तो माने कि वो गुणा का निशान है, ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है, अब हमको ना इसको इसके जैसा बनाना है, तो क्या करेंगे? ए का स्क्वायर तो होता ही है, 4 किसका वर्ग है? 2 का वर्ग है। अब मेरा ये सवाल इसके जैसा हो गया, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? ऐसे। ठीक है, तो हमने क्या लिखा? ए माइनस दो, ए प्लस दो, ए माइनस दो। ठीक है, इसके जैसा ही हो गया है ना, इसके जैसा ही हो गया। अब हम इसको देखते हैं, ये तो ए स्क्वायर है ही, 49 किसका वर्ग होता है? 7 का, और बी का वर्ग तो है ही, तो दोनों का होल स्क्वायर कर देंगे, पूरे का वर्ग कर देंगे। अब ये मेरा इसके जैसा हो गया, हो गया ना इसके जैसा, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ। कैसे लिखूंगी? ए माइनस 7B प्लस 7B, ए माइनस 7B। पहले प्लस वाला लिखेंगे, बाद में माइनस वाला लिखेंगे, है ना? ओके, अब इसको देखते हैं। इसको ऐसा बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? एक एक्स को कॉमन लेना होगा। कॉमन लेने का मतलब होता है एक एक्स यहाँ से भी घट जाएगा और एक एक्स यहाँ से भी निकल जाएगा, यहाँ से भी निकलेगा, यहाँ से भी निकलेगा। तो कितने बचेंगे यहाँ पे? एक्स का वर्ग बचेगा और 121 बचेगा। अब 121 किसका वर्ग होता है बताओ? सोचो, 121 किसका वर्ग होता है? 11 का। किसका वर्ग होता है? 11 का। अब ये मेरा सवाल इसके जैसा हो गया, तो अब मैं ऐसे लिख दूंगी, बराबर x ब्रैकेट में x प्लस 11 फिर x माइनस 11। ठीक है, आया समझ में? इसको देखो, 4 किसका है? 2 का वर्ग है, तो 2a का होल वर्ग कर देंगे। 9 किसका है? 3 का वर्ग है। इधर भी 4 किसका है? 2a का होल वर्ग कर देंगे। अब हम, अब मेरा ये सारा का सारा कैसा हो गया? इसके जैसा हो गया। तो क्या लिखेंगे? 2a माइनस 3/2 प्लस, पहले प्लस लिखेंगे, इसके बाद में 2a माइनस 3/2a। ठीक है, अब इसको देखो। अब क्योंकि 2 का कोई वर्ग नहीं होता है, इसलिए हम 2 को पहले कॉमन कर लेंगे। कॉमन करेंगे तो 2 का भाग इसमें लगाएंगे, कितना आएगा? 2 × 9 = 18। ठीक है, यहाँ पे इस 2 से 2 कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर 9 बचेगा। अब हम कैसे करेंगे? 9 किसका वर्ग होता है? 3 का। 3/x का, इसको बड़े ब्रैकेट में ले लेते हैं, होल स्क्वायर माइनस इधर x/3 का होल स्क्वायर। अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? 2 ब्रैकेट 3/3/x प्लस
x बटे तीन, और इसमें भी तीन बटे x माइनस x बटे तीन। हुआ, समझ में आया? हाँ, इसको देखो, माना कि ये मेरा पूरा का पूरा a है और ये मेरा b है, तो पहले से ही सर्वसमिका में ये है, तो इसको हम कैसे लिख लेंगे? सिंपल, पहले प्लस के साथ में लिख लेंगे a माइनस बी प्लस सी, अब की बार a माइनस बी माइनस सी के साथ लिख लेंगे। हो गया, बस इतना ही होना था। अब इसको देखो, ये a माइनस थ्री बी का होल स्क्वायर माना कि मेरा a है ना, और 36 किसका होता है वर्ग? 6 का, 6b का होल स्क्वायर। माना कि ये मेरा a है और ये मेरा b है, अब मैं अपनी सर्वसमिका लगा दूंगी। कैसे करूंगी काम? a माइनस थ्री बी, पहले प्लस के साथ में 6b, अब a माइनस थ्री बी, अब की बार माइनस के साथ 6b। अब इसमें देखो, माइनस का 3b है और प्लस का 6b है, तो 6 में से 3 चला जाएगा, घट जाएगा, तो कितना बचेगा? माइनस के प्लस के 3b बचेगा, प्लस का 3b बचेगा। यहाँ पे देखो, ये माइनस के 3b है और माइनस के 6b हैं, तो a के साथ में निशान तो माइनस का ही आता है, लेकिन ये जुड़ जाएगा। 3 और 6 कितना हो जाएगा? 9b। तो हमारा आंसर क्या आया? a प्लस 3b और a माइनस 9b। ठीक है, आया समझ में? इसको देखो, अब ये भी मेरा माना कि a है और ये मेरा माना कि b है, अब क्या करेंगे? a प्लस बी, प्लस के साथ में a माइनस बी। फिर इधर a प्लस बी माइनस के साथ में a माइनस बी। अब देख लो, a कितने हैं? 2। इस b से ये b कट गया, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो 2a। यहाँ पे क्या रह गया? a के से एक माइनस a का कट गया, और ये भी b कट गया। आंसर मेरा ये 2a ही रह गया। अब देखो, हम नौवां सवाल करेंगे कैसे? जैसे कि 25 है, तो 25 किसका वर्ग होता है? 5 का। तो अभी हम इसको बड़े ब्रैकेट में डाल देते हैं, और a माइनस 5b का होल वर्ग। ओके, ऐसे ही 2 किसका वर्ग, 4 किसका वर्ग है? 2 का। तो a माइनस 3b का होल वर्ग। अब माना कि पूरा मेरा a है, ये माना कि मेरा पूरा b है, तो अब हम कैसे करेंगे? 5 a माइनस 5b, ये तो पूरा पूरा लिखेंगे, प्लस के साथ में 2 a माइनस 3b लिखेंगे, ये मेरा 1 हो गया। अब दूसरा कैसे लिखेंगे? 5 के साथ में a माइनस 5b और अब की बार माइनस के साथ में 2 a माइनस 3b। पहले प्लस के साथ में लिया, इस बार माइनस के साथ में लिया। ओके बच्चों, अब हम क्या करेंगे? इसकी गुणा अंदर कर देंगे, तो 5a हो जाएगा, इधर 5 पंजे 25b हो जाएगा। अब ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, ये प्लस लगाएंगे, 2 की गुणा इधर अंदर में करेंगे, तो 2a हो गया,
माइनस के साथ में दो तीन छः बी हो गया। अब इसको भी ऐसे करेंगे, इधर भी पाँच ए हो गया माइनस 25 बी हो गया माइनस इधर 2 ए हो गया। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 तीन 6 बी। ठीक है, अब हम ए ए को देख लेंगे और बी बी को देखेंगे। तो 5 ए प्लस का है, 2 ए प्लस का है, तो कितने के हो गए, 7 ए हो गया प्लस का। माइनस के 25 भी हैं, माइनस के 6 भी हैं, तो ये माइनस का निशान तो आएगा लेकिन ये जुड़ जाएंगे। 25 में 6 जोड़ेंगे तो 31 बी। ऐसे ही इसको देखो, 5 ए प्लस का है, 2 ए माइनस का है, तो इसमें घट जाएगा, इसमें बचेगा 3 ए। इधर माइनस के 25 भी हैं, प्लस के 6 भी हैं, तो यहाँ भी घट जाएगा, 25 में से 6 जाएगा तो 19 बी। आया बच्चों समझ में? इसी तरह से करना है। 16 किसका वर्ग होता है? 4 का। तो हम क्या करेंगे, और इसका पूरा वर्ग कर देंगे। ए की पावर 4 है ना, तो इसको भी 2 की पावर 2 में ले लेंगे, तो पूरे का मेरा क्या हो जाएगा, 4 ए वर्ग का भी होल वर्ग। ऐसे। अब इसको देखो, 81 किसका होता है, 9 का, और बी का स्क्वायर ले लेंगे और इसका भी होल वर्ग ले लेंगे। इसका भी स्क्वायर कर दिया, इसका भी स्क्वायर कर दिया, इसका भी स्क्वायर कर दिया, इसका भी स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अपनी सर्वसमिका लगाएंगे। 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, इधर 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर। ये तो मेरा ठीक है, बट इस ये फिर से मेरा सर्वसमिका के अंदर आ जाएगा। कैसे, 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, ये तो हो गया। 4 किसका वर्ग है, 2 का। अब ये मेरा पूरे का वर्ग हो जाएगा। ऐसे ही 9 किसका है, 3 का। अब ये मेरा पूरे का वर्ग हो जाएगा। अब ये मेरी सर्वसमिका में आ गया। फिर से हम कैसे लिखेंगे, 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, ये तो हम संग संग चलाते ही रहेंगे। अब इसको देखो कैसे लिखेंगे, 2a प्लस 3b, अब की बार 2a माइनस 3b, है ना आसान। ओके, अब इसको देखो, ये भी मेरा पहले वाले सवाल की तरह ही है। इसको भी मैंने क्या किया, 4 है ना, इसका भी वर्ग का वर्ग कर दिया। ठीक है, और 625 किसका वर्ग होता है, 25 का। तो अब ये मेरी सर्वसमिका में आ जाएगा। कैसे आएगा, ए स्क्वायर प्लस 25, अब ए स्क्वायर माइनस 25। तो ये तो ठीक है, ये मेरा फिर से सर्वसमिका में आ जाएगा। कैसे, अब ये तो मैंने ले लिया, ए स्क्वायर तो होता ही है, 25 किसका वर्ग होता है, 5 का। ठीक है, इसको फर्दर मैंने कैसे लिखा, a प्लस 5 और ये a माइनस 5, सिंपल हो गया। अब बच्चों ये वाला सवाल है, a स्क्वायर v माइनस v का क्यूब का गुणनखंड करना है तथा प्राप्त परिणाम का इसके अकॉर्डिंग का मान ज्ञात करने में अनुप्रयोग भी करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हमने ये अपनी सर्वसमिका में ले लिया, ये ए स्क्वायर बी माइनस बी का क्यूब था ना, यहाँ पे एक बी ज़्यादा है और यहाँ भी एक बी हम निकाल सकते हैं, तो हमने बी को कॉमन कर दिया और अंदर क्या रह गया, ए स्क्वायर रह गया और इधर माइनस का बी स्क्वायर रह गया। इसको हम कैसे लिखेंगे, बी तो लिखेंगे ही, ये क्या लिखेंगे, a प्लस बी और a माइनस बी, ये हमने कर दिया।
अब इसकी तरह हमें ये भी करना है, तो 101 का स्क्वायर गुणा 100 माइनस 100 का क्यूब, तो इसका मतलब है 100 यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पर भी 100 ज़्यादा है, तो इसी 100 को हमने बाहर ले लिया। अब क्या बचा यहाँ पे, 101 का स्क्वायर बचा माइनस यहाँ भी 100 का स्क्वायर बचा। अब मेरी सर्वसमिका में आ गया ये, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 100 तो लिखेंगे ही, 101 प्लस 100, फिर अब की बार 101 माइनस 100, ठीक है। तो 100 की गुणा यहाँ इनको जोड़ दो, कितना हो जाएगा ये 101 और 100 कितना हो जाएगा 201, और 101 में से माइनस 100 घटा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1, ठीक है। तो 1 से गुणा करने पर तो उतना ही आंसर आता है, जब जीरो साइड में होती हैं, किनारे जीरो होती हैं, तो उसकी गुणा करना मैंने आपको कैसे सिखाया था, जितनी भी जीरो होती हैं वो जीरो पहले लगा दो, अब बचा 1, 1 की गुणा 201 में कर दो, तो हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है। पहले दो जीरो लगा दी और फिर 1 की गुणा 201, 1 एकम 201, ठीक है। फिर उसके भी गुणा 1 में करेंगे तो आंसर तो इतना ही आने वाला है, ठीक है। अब देखो ये वाला सवाल जो है, कह रहे हैं ऐसी कौन सी दो छोटी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं जिनका अंतर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। तो हमने देखो 1 से शुरू किया, 1 के वर्ग से 2 के वर्ग को घटाया, 3 आया, 3 तो किसी का होता नहीं है वर्ग, ऐसे ही 3 का स्क्वायर लिया माइनस 2 का स्क्वायर लिया, फिर हमने घटाया तो 5 भी किसी का नहीं होता है, ऐसे ही 4 का और 3 का करके देखा तो 7 भी किसी का नहीं होता है, जब 5 का वर्ग में से 4 का वर्ग घटाया तो हमें 9 मिला, 9 मेरा 3 का वर्ग होता है, इसका मतलब वह संख्या 25 और 16 है। कैसा लगा बच्चों, हुआ आसान है ना, आपकी ये अभ्यास 5E कंप्लीट होती है और आपको मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्रॉब्लम हुई होगी, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ओके बच्चों, बाय।